उठा दी निकाले कपड़े पहनाए और बच्चा रेडी। फिर से 7 बजे उठना है सुबह, सारे इसमें डाल दिए हमने। रात के ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं। पीलो माँ जुजू पीलो। और गले की बैंड बची हुई है बहुत बुरी तरह से, बच्चे फिसल ना जाए। और मैं दिखाती हूँ, तो अभी दोनों के ड्रेस चेंज हो गई है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी बज चुके हैं रात के 12:30। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ और सबसे पहले देख लो यहाँ पे कौन कौन है मौजूद, क्योंकि अभी जो है घर में कोई नहीं सोया है। अरमान जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, नीचू भैया, लक्ष्य, गोलू अंदर है। और टाइम कितना हो रहा है गुड्डू? टाइम हो रहा है 12:22। तो नींद किसी को नहीं आ रही है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं गाइस अभी तक सोए नहीं है। तो गाइस अभी अभी ना अरमान जी ने मुझे कैमरा ना कैसे पकड़ना है वो सिखाया, और इनसे पूछती हूँ कि मैंने कैसा घुमाया कैमरा। मैं बहुत जल्दी सीख लेती हूँ और आप बहुत जल्दी सिखा देते हो चीजें ना। गाइस सिखाने के लिए ना अरमान जी जैसा टीचर शायद दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। अगर कोई किसी को कुछ चीज सीखने ना, वैसे ये ट्यूशन देते नहीं है, तो आप कमेंट कर देना, दे देंगे। तो गाइस अभी अभी आपने देखा होगा यहाँ पे सारे जो कपड़े मैंने निकाल दिए, सारे कपड़े इसलिए निकाले क्योंकि मैं तूबा, अयान और जैद की जो अलमारी है वो अलग अलग करने वाली हूँ, क्योंकि इतनी हौचपुच हो गई ना अलमारी, कपड़े दिखते नहीं कौन से किसके हैं। तो अभी जब अयान और जैद के अलग हो जाएंगे ना तो सही रहेगा। तो गाइस बच्चों की जो अलमारी है ना, देखो दिखा देते, पूरी की पूरी खाली कर दी है, क्योंकि खाली करना बहुत ज्यादा जरूरी था, समझ नहीं आता एक पे एक कपड़ा चिपके जा रहा था। तो अभी ना मैंने बहुत सारे कपड़े वो निकाल दिए, जो कपड़े अभी इनको आएंगे, क्योंकि कुछ टाइम बाद ना बच्चों के कपड़े नहीं आएंगे, तो ये बहुत सारे कपड़े हैं जो आएंगे ना अभी, तो वो हम इनको कंटिन्यू पहना देंगे, क्योंकि उसके बाद क्या है 1-2 महीने बाद ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये वाली जो ड्रेस है ना, ये बहुत स्पेशल ड्रेस है। जब ना जैद की इंस्टाग्राम का हमने केक कट किया था, तब उसने पहनी थी ये, मोहित भैया लेके आए थे। इसमें 3 कलर और है, एक ब्लू है और एक लाइट ब्लू। पीछे से जैद की आवाज आ रही होगी करके, क्योंकि पायल उसको कर रही है रेडी रात को सोने के लिए। तो गाइस यहाँ पर गोलू पायल ने लगा दी है सेल, और अभी दिखाता हूँ अभी हमने क्या किया। तूबा के कपड़े अलग कर दिए, जैद के अलग कर दिए। हाँ भाई, कहाँ की सेल है? ये है सेल बच्चों के लिए, ये है सारे के सारे तूबा के कपड़े, क्योंकि क्या है अलमारी में समझ नहीं आता कि तूबा के और अयान और जैद के कपड़े हो जाते हैं, तो गर्ल्स के कपड़े अलग होने चाहिए, भाई भाई के अलग। तो फिर एक दो आदमी को और भगाओ ना घर से, अलमारी 1, 2, 3, 4 या फिर तुम चले जाओ, मेरे को तो निकाल दिया तुमने, मेरे कपड़े तो नीचे चले गए। अब इन लड़की की बच्ची अलग और लड़कों के अलग, यही दोनों भाई का जो आपको निकाला हमने घर से, वो अलमारी खाली है, तो दोनों भाइयों की एक अलमारी हो जाएगी। और जो इस रूम में जिसमें 3 बच्चों की थी वो इनकी बहन की हो जाएगी। अच्छा सुनो, जैद ने आज नया पिलो लिया है, देख तो लो पिलो। जैद ये नया पिलो कैसे इसका मजेदार उठू, ये जो कारपेट आप लाए ना, ये आप बच्चों को काम आएगी। देखो कितने आराम से यहाँ पे देखो लेट रहा है। अब जैसे दोपहर में हम बच्चों को खिलाएंगे एक साथ ना, तो इस कारपेट पे आराम से बच्चे खेल सकते हैं। और जब क्रॉल करना लगेंगे ना गुड्डू, तब इनको घुटने में लगे भी नहीं, पूरे घर में बिछवा देना ये वाला। कश्मीर में ले लूंगा, वहाँ पूरे घर में होता है। अभी अभी ना यहाँ पे हमारे जैद ने ना अपने पापा को बुलाया ऊपर से नीचे, बोला पा, बोले पा, और इसका ना पा सच में इतना क्लियर था, पा ऐसे करके पूरा क्लियर था। तो ये बहुत जल्दी पापा से बात करने लगेगा ऐसा लग रहा है ना। तो गाइस मैंने एक चीज सोची है, पायल तू भी देख ले, जब जैद या यान पापा से क्लब जाएंगे ना, तो ये कपड़े पहनेंगे। अच्छा सुन बोलो कैसे है। अच्छा गुड्डू मेरे को ना वो बोला था चीकू के ना, ऐसे पूरे रोमपर जो होते हैं ना मम्मी, मेरे लिए भी बनवा दो। तो मैंने सोचा है ये दिखा दे, कहाँ से? सिंगापुर से। मैं सोची चीकू को ये दे देती हूँ, मुझे छोटा इनके लिए तो बहुत बड़ा है। अच्छा भाभी ने जब वीडियो देखी ना इसकी जैद की, तो भाभी कह रही कि वीडियो में ना इतना ही लंबा लग रहा था, इतना ही बड़ा लग रहा था, तो मैं उस हिसाब से कपड़े लेके आई हूँ। पहले जैद तो जगा देगा इसको। हाँ ये तो जगा देगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा सुला दूंगी। मत करना यार, इसको अंदर भेज देना तुबा को। बाबू मेरा मन था ना कि मैंने जब पिलो पे सुलाया ना एक बच्चे को, मेरा मन था तीनों आज नए पिलो पे सो, अच्छा लगता है ना तीनों बच्चे रेडी होकर। हाँ बेटी, हाँ उठा दे बहन को, उठा दे उठा दे उठा दे, कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश देखो देखो, उठा दे उठा दे उठा दे। कैसे उठा रहे तो पूरा। तो गाइस जो बच्चों की अलमारी है ना, उसको भी सेट करने में ना कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। मैं, पायल, लक्ष्य, तनु सारे के सारे लगे हुए हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पर सारे के सारे जो तूबा के कपड़े हैं ना, वो सब डिस्प्ले में लग चुके हैं। जब जाना होगा उसको तो पता है, यहाँ पे सिर्फ तूबा के कपड़े अपने निकाले पहने, वो थोड़ी निकालेंगे तो हम निकाले कपड़े पहनाए और बच्चा रेडी। तो गाइस बहुत ही क्यूट सा बैंड मंगवाया था ना तूबा के लिए, अभी तूबा को आएगा नहीं, संभाल के रख देती हूँ। साथ ही साथ ना यहाँ पे बच्चों की सारी वेस्ट रख दी है, इधर सारी बिप्स रख दी है, और ये सारे ना हैंकी वो हैंकी है जो अभी तक हमने यूज नहीं करे हैं। तो मैं सोचू भी इनको ओपन नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे हैंकी पड़े ना, मैंने कहा बनाया था तनु हैंकी का। हाँ तो पूरा का पूरा डब्बा ना गाइस हैंकी और ये कैप से भर चुका है। गाइस यहाँ पे ना कितना क्यूट सा सेट मिल गया, एक ये वाला सेट और एक ये सेट। पायल देखियो यार, ये न्यू बॉर्न है, अगर अभी नहीं मिलते तो ये तूबा को आते ही नहीं, तूबा को आएंगे कपड़े। पायल ये कपड़े मुझे लग रहा है शैली ने दिए, क्योंकि हमने शैली के कपड़े टोकरी में डाल के रखे थे, याद है? शैली लेकर आई थी ये सारे, शैली के इसके साथ सेट भी बने थे अलग अलग, कैप वैप सब।
खोल दिया था वो सारा, हमने सारा खोल दिया था। इसके साथ दो पल वो भी आए हैं छोटी छोटी कॉटन की ब्लैंकेट टाइप की। हाँ वो मैंने तूबा के लिए रखे। यार गाइस पहले हम अपनी अलमारियों के लेके इतने टेंशन रहते थे, ये फैलगी फैलगी, अब ये बच्चों की अलमारी भी सेट करनी पड़ेगी। बच्चों की अलमारी के साथ क्या सीन है, सेटिंग समझ नहीं आ रही पायल। ऐसे लग रहा है सपना इतना हॉच पॉच समझ ही नहीं आ रहा कौन सा मैच किसका है क्या है। इसको कोई टेंशन नहीं है, इसको क्यों टेंशन होगी, हम बैठे हैं। सुन एक काम कर, मैं क्या कह रही हूँ, जो कपड़े थोड़े से वो हो गए ना कि अभी छोटे हो गए नहीं पहन रहे वो साइड कर दे, साथ के साथ तू कपड़े रखने नहीं है, साथ के साथ जिसको जरूरतमंद होगा ना उसको साथ सही बोल रही है, सही बोल रही है। क्योंकि यार देखो हमारे जो गाइस कपड़े सारे ना बहुत अच्छे के बच्चे एक एक बार पहनते हैं सारे अच्छे हैं कपड़े, डबल ट्रिपल जो कपड़े हैं ना जैसे इन दोनों को जो सेम है और कोई अलग से भी है तो वो भी अलग कर, क्योंकि इनको फालतू में पहना पहना के फायदा नहीं, कोई बच्चा किसी का काम आ जाएगा नया। हाँ सही बोल रही है, सही बोल रही है। तुझे काम करना पड़ेगा लक्ष्मी, मेरे ना सर में इतनी तेज गाइस मेरे हेडेक हो रहा है बहुत तेज, मेरा ना बहुत ज्यादा मन कर रहा है बहुत ही ज्यादा कि थोड़ी सी ना कड़क चाय पीऊँ, वैसी वाली चाय जैसे तूने मेरे को हॉस्पिटल भेजी थी। पायल से पूछ ले, पायल चाय पिएगी तू पिएगी दीदी? मेरे पास गुड डे हाँ, हाँ, चाय 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 पीऊंगी मैं, मैं तो पीऊंगी यार लक्ष्य बिल्कुल पीऊंगी चाय सर चाय। ये नहीं मना कर रहा है, ओनली ओनली मिल्क नो टी। तो इस रात के बज गए हैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं पता मुझे ठीक है, देखो हाँ 150 हो गए, 2 बजने वाले और अभी तक हम बच्चों के कपड़ों में लगे हैं और कुछ कपड़े ना अभी पीछे हमने निकाल दिए, मैं दिखाती हूँ पीछे के साइड कपड़े निकाल दिए, जिनके सेट है वो रख रही हूँ, जो समझ नहीं आ रहा ना कपड़े वो सब साथ साथ निकालते रह रहे हैं। गोलू हमें 7 बजे भी उठना है। ओ यार शिट यार, हम तो फिर से 7 बजे उठना है सुबह। तो गाइस कल मॉर्निंग में 7 बजे इसलिए उठना है क्योंकि चीकू का स्कूल है और साथ ही साथ ना क्या दीदी क्या करती है उसका लंच बनाती है, मैं पाल उसको नहला के रेडी करते हैं और जब हम उठते हैं ना 7 बजे तो बच्चे भी साथ में उठ जाते हैं, तो फिर सोते सोते पहले जब हम प्रेग्नेंट थे ना तब क्या होता था, जैसे चीकू स्कूल जाता था उसके आधे घंटे में फटाफट नाश्ता बनाया सो गए हैं पायल, पर अब क्या होता है जब बच्चे मतलब चल चीकू चले जाते हैं बच्चे उठ जाते हैं तो 10:30 बज जाते हैं सोते सोते। तो मैंने ना तो गाइस मैंने ये चीज सोची कि मैं ये वाले जो सेट नहीं होते, हम ये सोच रहे कि हम ना रोज रात को बच्चों को रॉम्पर्स पहनाए करेंगे, जैसे ऐसे पहनाते हैं ठीक है बच्चे कवर रहते हैं, तो रॉम्पर्स के नीचे ना ऐसी वाली टी शर्ट पहनाए करेंगे हैं ताकि यूज हो जाए, और एसी में सोते हैं ना तो उनको ठंड ना लगे। हाँ ठंड ना लगे यूज भी हो जाए क्योंकि क्या ऐसे तो बच्चे पहन नहीं पाते ऐसे ठीक है, तो रॉम्पर्स मैं सोच रही हूँ ये सारी टी शर्ट ऐसी वाली जो नीचे से हुक वाली है तो इनको अलग कर देती हूँ और रॉम्पर्स को अलग कर देती हूँ। ऐसी बास्केट है हमारे पास कोई और है तो नहीं, अब देखते हैं कुछ टोकरी कुछ फिर देख क्या करना है। सारे सेट बना दिए हैं ना, अभी फिलहाल तूबा की अलमारी में रख दे क्योंकि ना बच्चे जब नहाते हैं तो उसी रूम में नहाते हैं तो इसी में से नए नए सेट निकाल के तीनों को पहना देगी। हाँ ये रेगुलर पहनने के लिए ठीक है। हाँ तो गाइस यहाँ पे ना हम लोग बच्चों के कपड़े सेट कर रहे थे और ये जो हमारी तन्नू है ना, तन्नू ने हमसे बोला कि मम्मी जी प्लीज मम्मी को बोल दो ना मेरे को जागने दे, मेरे को भी जागना है और मैं लेट तक सोती हूँ ना तो मेरे को अभी नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा चल ठीक है मैं बात कर लेती हूँ, तो सपना दीदी तो सो गई है तो यहाँ पे तन्नू ना हमारे साथ कपड़े तय लगवा रही थी, तो तन्नू ने इतने प्यारी तरीके से ना बच्चों के कपड़े एक ही हैंगर में 3 जोड़ी सेट किए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये देखो गाइस इसने एक हैंगर में 3 जोड़ी ना सेट कर दिए बच्चों के और इससे स्पेस भी बच गई और एक हैंगर में 3 भी टंग गए। ये तूबा का ये अयान का है, तीनों एक छोटा एक बड़ा। गाइस अभी फिलहाल ना घर पे जो एक्स्ट्रा टोकरियां रखी हुई थी ना हमने ऊपर रखी हुई थी कि कुछ सामान रखने के लिए नहीं चाहिए, तो अभी जो है वो सारे काम आ रहे हैं। ये जो शॉर्ट रॉम्पर्स होते हैं ना बच्चे के डायपर वाले वो है सारे इसमें डाल दिए हमने, इसमें हमने कैप्स और हैंकी डाल दी है ठीक है, साथ ही साथ इसमें हमने नई सॉक नए ये मीटिंग्स वगैरह के जो अभी यूज नहीं करने वो डाल देंगे इसमें, और एक टोकरी और मिल गई, इस टोकरी में डालेंगे हम बिब्स और बनियान बच्चों की ताकि ना सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो, नैनी को ना ये ना करना पड़े ये कहाँ है ये कहाँ है ये कहाँ है, उनको सब कुछ चीजें मिल जाए। पायल ये हम 3 बाथरूम लेके आए थे गाइस, हम ना बच्चों के लिए 3 बाथरूम लेके आए थे कुछ टाइम पहले, तो उस टाइम में हमने एक पिंक लिया था, हम पता नहीं था हमारे घर में बेबी गर्ल होगी क्या होगा, तो एक हमने पिंक लिया था तो एक अयान पहन लेगा, एक तूबा और एक सैद, तो काम करे पायल कल शूट करवा ले इसमें भी है ना। लक्ष्य देख शूट में कैसे लगेंगे रॉम्पर्स, अच्छे लगेंगे ना, तो कल हम शूट करवा रहे हैं तो तीनों शूट में यूज हो जाएंगे। तो गाइस ऊपर ना सारे ना मैंने वो चीजें रखी है जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चों के एसी ब्लैंकेट है, जो चीजें बाहर यूज होनी है जैसे हम कहीं बाहर ट्रैवल करेंगे तो बाहर के लिए भी होने चाहिए ना, एसी ब्लैंकेट होने चाहिए, बच्चों को कवर करने के लिए शीट्स होनी चाहिए, तो सारा ना ऊपर सामान सेट कर दिया, तो ऊपर एक नया डायपर का पैकेट भी पड़ा है। तो गाइस अभी सामान निकाला मैंने ऊपर से, मैंने कहा जो जो सामान ना एक्स्ट्रा निकाल देते तो मेरे को क्या मिला, मेरे को 2 रैटल्स के पैकेट मिले, तो ये रैटल्स खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 रैटल्स खोल चुकी हूँ, बच्चे जब खेलेंगे तभी खोलेंगे, तो ऊपर मुझे ये निकला बाथ वाला, तो हमें ना बनाना नहीं आता था, मैंने तन्नू को बोला, मैं कहा तन्नू बेटा ये देखियो, तन्नू ने बिना पैम्पलेट देखे ना ये बना दिया और कि मामी जी ये लो बना दिया देखियो, पर बहुत ही मांगे तो बच्चों को नहलाने के लिए ना बहुत इजी है इसमें, बच्चा गिरेगा भी नहीं और नहा भी लेगा, तो तू इसमें आराम से नहला सकती है, तो गोलू यहाँ पे ट्राई कर रही है। बेबी कम नहाने कर, लेट्स बाथ। वाओ
शावर शावर मम्मी मेरे को शावर दिला रही है। तो गाइज यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे जितने भी कपड़े होते हैं ना बच्चों के, जो हम नीचे लगाते हैं बच्चों का सूती कपड़े, जैसे उनको वॉशरूम वगैरह सुसु वगैरह करना हो तो उसके लिए सारे कपड़े इसमें डाल दिए। और जो सिर्फ सिंगल सिंगल इनके नैपी होते हैं, क्या कहते हैं, लंगोट लंगोट और पजामी पायल। यहाँ पे मैं इसकी मेडिसिन निकाल के ले आई हूँ, मैं खोल रही हूँ, पिला दे इसको। मैं पिला खोलू, इसमें वो कपड़े डालू जिनके सेट नहीं मिले अभी, वो जब सेट मिल जाएंगे ना ठीक है कर देंगे। ओके ओके मिठे सारे हो गए, रात के ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं। तो गाइस मैंने इसको दवाई भी दे दी है, उसके बावजूद भी ये जो बच्चा है नहीं सोया है, इसको कोशिश करिए सुलाने की। बस अब क्या कर रहे हैं, पायल किचन समेट रही है, सारा का सारा काम है, सारा काम वो सामान सेट हो गया, पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया। तो गाइस मैंने सोचा कि बर्तन पड़े हुए हैं तो बर्तन में निकाल देते हैं, जब जगी हूँ तो। रात को बर्तन नहीं रखने चाहिए, गंदे ऐसे रोज ही धुल जाते हैं, आज ही धुले थे तो मैंने सोचा मैं धो देती हूँ। तब तक ना, तो जब तक पायल बर्तन निकाल रही है तो एक काम करती हूँ, मैं अपना और पायल का दूध गर्म कर लेती हूँ, दूध पीते हैं और सो जाते हैं आराम से। वैसे तो हम रोज इतना लेट हो जाते हैं ना, रोज मतलब लगा लो नॉर्मल हो गया आजकल तो ना, 3-4 नॉर्मल हो गया। और मुझे ऐसी ना फीलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा गट फीलिंग आ रही है, पायल कहाँ गई। पायल जैसे ही तू मैं लेटेंगे ना, जैसे ही लेटेंगे वैसे ही अयान और तुबो उठेंगे 10 मिनट के अंदर। वो तो बात कोई बात नहीं, वो तो है ही, बच्चे देखो उठेंगे। पर मैं वैसे बता रही हूँ कि बच्चे के साथ ऐसा ही होता है ना, लोग कहते हैं ना कि जब तक बच्चे सो रहे तब तक सो जाओ। हाँ जब बच्चे सो रहे होते हैं ना तब नींद भी नहीं आती। और साथ ही साथ गाइस काम इतना ज्यादा होता है, तुम्हें नींद नहीं आती, घर के 10 चीजें, घर इतना गंदा होता है ना, हम 2 दिन से सोच रहे हैं यार अलमारी सेट करनी है करनी है करनी है। अब अलमारी सेट हो गई, अलमारी के साथ साथ ना और भी बहुत सारे काम होते हैं, छोटे मोटे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ना पायल ने सही है अपना फ्रूट सेट कर दिया, क्योंकि क्या होता है फ्रूट सामने दिखते हैं ना तो चलता फिरता इंसान खा लेता है, क्योंकि पापा हमेशा ऐसे करते हैं, सामने ग्रेप्स रखे होते हैं तो खा लेते, जब उनको बोलो ना स्पेशल बेटा ग्रेप्स खा लो तब नहीं खाएंगे, सामने चीज होगी ना तो अपने आप खा लेते हैं। पायल ये कौन है, गेस कर। टूबा। हाँ, मेरी टूबा है। तो गाइस क्या हुआ, ये इसने ना अपने जो नए वाले कपड़े थे ना जो पहनाए थे वो गंदे कर दिए थे, तो कपड़े चेंज कर दिए। तो पायल के लिए काम करती बोलो उसको मोटे वाले कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि ये जो कपड़े थे ना ये मोटे थे। तो टूबा की जो फ्रॉक है ना वो इतनी मल्टी फंक्शनल फ्रॉक है, हर टूबा ने पहनी, पर अयान रह गया ना, अयान को पहना दियो एक बार, कल पहना, ठीक है फिर हम इसको फ्रॉक को संभाल के रख देंगे। बोलो देख ठीक है, दिखा हो गया बच्चा रेडी। हाँ। ये है हमारा सर्दियों का तोहफा। चल पायल यार तेरा दूध सारा ठंडा हो रहा है, दूध पी लो। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 3:39 और तूबा जस्ट अभी उठी है, बस तूबा को सुला देती हूँ। अयान और जैद अभी जैद सो गया है, अयान सो ही रहा है, बस अब हम जा रहे हैं सोने, अब मिलते हैं आपको सुबह। तो गाइस अभी बज चुके हैं 8 और मैं एकदम से उठी छट से, देखा 7:46 होने हैं, तो चीफ को भेजना था स्कूल, फिर मैंने फटाफट से अपना दीदी को उठाया, क्योंकि अकेले सारे काम नहीं कर सकती हूँ ना, मैंने सोचा मैं नहला दूंगी, दीदी नाश्ता बना देगी, दोनों फटाक से भेज दूंगी स्कूल। फिर जैसे अलमारी खोली, अलमारी में चीकू की ड्रेस ही नहीं थी, मतलब 3 जोड़ी ड्रेस है, 3 जोड़े में से एक भी ड्रेस नहीं थी इसकी, स्कूल में भेजती कैसे कपड़े पहना के, कौन से कपड़े पहना थी। अब चीकू की हो गई छुट्टी, तो दीदी जो लंच बना रही है, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके दोबारा सो जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है हम लोग सुबह 4 बजे सोए थे, और गले की बैंड बजी हुई है बहुत बुरी तरह से, गला बहुत दर्द कर रहा है मेरा 3-4 दिन से, मुझे डॉक्टर को फिर से दिखा के आना पड़ेगा। और रिपोर्ट्स जो मेरी आई थी वो मैंने अभी तक पता नहीं करी, क्या रिपोर्ट्स आई थी क्या नहीं आई थी, वो रिपोर्ट्स भी पता करनी है क्या आया था उन रिपोर्ट्स में। तो गाइस बज गए हैं 11:00 और जो बच्चों का शूट था ना, भैया का फोन आया जिससे मतलब कि शूट कराना था, तो उन्होंने बोला मैं 2 बजे तक आऊंगा, आप बच्चों को बिल्कुल रेडी रखना। तो अयान और तूबा दोनों नहा धोकर रेडी होकर सो गए हैं, बाकी बच्चा जैद ने भी शावर ले लिया, दीदी उसको रेडी कर रही है, मैं भी उठ गई हूँ, पायल भी उठ गई है, बस हम लोग भी नहा धोकर रेडी हो जाते हैं। और साथ ही साथ ना जिस रूम में बच्चे सोते हैं ना, उस रूम का एसी खराब हो गया था, एसी वारंटी में था बट बहुत दिन हो गए थे, खराब हो गए, थोड़े दिन पहले चलाया था बट क्या हो रहा था, एसी की ना जो दीवार ऐसी, यहाँ पे एसी लगा है दीवार, यहाँ से पानी लीक हो रहा था, तो भैया को बुलाया है, अब वो एसी कर रहे हैं ठीक, तो ये ठीक है एसी ठीक हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है, तो उस रूम का एसी नहीं चलता ना, तो हमें यहाँ पे सोना पड़ता है बाहर। गाइस बच्चों के जो नाखून होते हैं इतने ज्यादा तीखे होते हैं ना, देखो हल्का सा मुझे बच्चे ने पकड़ा और इतनी तेज निशान पड़ गया। तो गाइस आज ना बच्चों ने ना इसमें ना शावर लिया, और सच में इतना कम्फर्टेबल रहा, इतना कम्फर्टेबल रहा, जो रात को जोड़ा था तन्नू ने, नैनी बता रही, नैनी ने बच्चों को नहलाया ना तीनों को, तो कह रही एकदम बच्चे कम्फर्टेबल होकर नहाए, तो ये मेरे लिए सही है, अगर मेरे को कभी बच्चों को नहलाना हो ना तो मैं
पे नहला सकती हूँ एक आधी बार, फिर धीरे धीरे पैरों पे कर लूंगी, क्योंकि मैं बच्चों के सारे काम कर लेती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नहला नहीं पाती, क्योंकि मुझे लगता है डर कि बच्चों को वो लगाऊंगी शावर जल लगाऊंगी शैम्पू लगाऊंगी तो उसकी फिसलन से मेरे से बच्चे फिसल ना जाए। तो गाइस अभी आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही फैंटास्टिक चीज है हमारे घर में, वो मुझे देख के हंसी आ रही है, आप भी देखिए। बाहर से आया हूँ, कहाँ से? शूट के लिए। कौन से शूट के लिए आया? ये हमारे देश का नहीं है, बाहर का है। आई एम फ्रॉम वियतनाम। वियतनाम से आयो? दाढ़ी क्यों आपकी? जी वियतनाम में दाढ़ी होती है। नहीं, जो आपके जो है बाल तो गुलाबी होती है, इतना अमीर होती हमारा खुद का आईफिल टावर होती। वल्ला हबीबी, वल्ला हबीबी हम तुमको बिस्किट देती। बिस्किट नहीं अभी के पास ना बेल्ट नहीं है। तो मैं अभी हम तुमको, तुम मुझको बिस्किट देती, हम तुमको बेल्ट देती। ठीक है, हम आपको बहुत दुआ देती, हम ये पीछे से धोखा देती। अभी हम आपको नया डांस दिखाने वाले जो हमारे वहाँ पे चलता है। डांस दिखा रहा है तो हमारा लुक उल्टा करती, हम तुम्हारा घूस मारती। अरे ये कैसे बैठा है? पता नहीं, जादू भाभी, जादू हैरी पॉटर का वो है ना, जादू सीख रखा है। छड़ी, छड़ी से बैठा है, छड़ी से। अच्छा, सो रहा है तो सोते सोते से गाइस कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये अयान है या जैद है, तो मैं बता देती हूँ ये अयान है। जैद का तो हैरी पॉटर वाला शूट ऑलरेडी हो चुका है, पर मेरे को समझ में नहीं आया हेलीकॉप्टर बोलो क्या बोलो तुम। हेलीकॉप्टर नहीं, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर एक कार्टून है, मतलब क्या होता है, एक मूवी है। ये आपके लिए, ये उसके पापा के लिए, आपके लिए लाए हैं। ये आपका फोन है, आपके लिए लाए हैं। अरे भैया देखो कितना क्यूट लग रहे हैं। तूबा का ना अभी स्नेल वाला फोटोशूट हुआ, बहुत ही क्यूट लग रही है अभी ये लुक में। अभी इसने पहना है येलो कलर का बैंड, और मैं दिखाती हूँ ये री पायल तूबा, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो गाइस ये भी अभी 3 महीने गया हमारा बच्चा, देखो बैटमैन। तो गाइज ये जो गेटअप है ना, सबसे ब्यूटीफुल मुझे ये गेटअप लगा माई तूबा का, और तूबा इसमें बहुत ज्यादा टचवुड बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, नजर ना लगे, लकड़ी पे वैसे बैठी हुई है, नजर नहीं लगेगी। अब इसका नेक्स्ट देखते क्या है। तो गाइज ये वाला जो शूट है ना, बहुत ज्यादा स्पेशल शूट है, क्योंकि बहुत देर से अयान का अकेले हो रहा था, तूबा का अकेले हो रहा था, एक ट्विनिंग वाला बेड वाला था वो अलग था, पर जो ये वाला शूट है ना, इसमें दोनों भाई बहन साथ में लेटे हुए, इतना सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं ना, आप दिखा दो भैया। तो गाइस ये जो था, ये था तूबा का 5वां लुक था। इस लुक में इसने फोटोशूट करा लिया है, और बड़ी मुश्किल से कराया इस लुक में, क्योंकि दोनों जो कभी कोई उठ रहा है कभी कोई उठ रहा है, पर फाइनली ये वाला लुक हो गया। अब इनके जो है दोनों के कपड़े चेंज होने जा रहे हैं। तो गाइस बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अभी भी जो है काफी सारे इनके फोटोशूट बाकी है। तो गाइस पायल ने भी चेंज कर लिया, पायल ने पहनी है ब्लैक एंड व्हाइट कलर की कुर्ती, और जो कुर्ती है ना ये कलर ब्लैक वाला मैंने पसंद किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बड़ा मस्त फोटोशूट चल रहा है, ट्विंस वाला चल रहा है, तो अभी दोनों की ड्रेस चेंज हो गई है। गाइस पहले भी ये वाला शूट हो रहा था अयान का, उस टाइम पे हम सब ने शोर मचाया था, तो वो उठ गया था, फिर कराना पड़ा तूबा को शूट। तो अभी बहुत ही मुश्किल से भैया अयान को सुला रहे हैं, और फिर रो रहे हैं, और शांत हो रहे गाइस। तो गाइस चीकू को जाना है सुबह गाने के शूट पे, इसलिए मैं जा रही हूँ चीकू को सुलाने, इसका दूध ले लिया मैंने, उसको सुलाने जा रही हूँ, और उसके बाद वो सो जाएगा, तो हमें पैकिंग करनी है उसके शूट के लिए कपड़ों की। तो ये वाले ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारा न्यू सॉन्ग आ चुका है लाजमी, जिसने अभी तक नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो आप नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे जाके गाने को देख सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।